और उस साइड भी जो है उस कोना में भी सावल करके परफेक्टली लगा लेना है। उसके बाद जो है को डबल जाली बांधना है, ठीक। अब इसमें सरिया कितना गैपिंग में देना है, तो दोस्तों ये सरिया देख रहे हैं, ये क्या हुआ, वाइब्रेटर जब इस्तेमाल किया, यानी वाइब्रेटर जब मारा गया तो इस टाना, ये टाना जो है अपने आप कट गया। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक, आपका दोस्त मोहम्मद अंसार आलम। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बेसमेंट की वॉल ढलाई कैसे किया जाता है, और इसमें एक बहुत बड़ी बिग मिस्टेक क्या है कि अगर सही से नहीं करने पर क्या गलती हो सकता है, यानी क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में बताएंगे। तो अभी तक जो मेरा चैनल में नए हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों जानिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बेसमेंट वॉल की ढलाई हो चुका है 4-4 फीट करके, आप पूरा देख सकते हैं, और इधर ढलाई नहीं हुआ है, इनका जो है सेटरिंग किया हुआ है और इधर सेटरिंग हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम पहले आप लोगों को एक चीज़ बताएंगे कि इसमें सरिया कैसे बांधना है। तो दोस्तों इसमें सरिया जो बांधना है तो डबल जाली बांधना है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये डबल जाली है, ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये डबल जाली है, ठीक है। तो इसको डबल जाली बांधना है, ठीक। अब इसमें सरिया कितना गैपिंग में देना है, तो दोस्तों ये सरिया से लेकर इस सरिया तक 8 इंच का गैप होना चाहिए, 8-8 इंच पर गैप होना चाहिए एक जाली का सरिया का डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा भी वैसे है 8 इंच पर और 8 इंच पर, ऐसे करके, ठीक है। और नीचे से अगर देखा जाए तो दोस्तों अब देखिए इस ये सरिया से लेकर इस सरिया तक 8 इंची होना चाहिए, ठीक है, देखिए 8 इंच ये सरिया था, और ये उस पार वाला है, उस पार वाला है, आप देख सकते हैं, हम आपको फिर से ऐसे दिखा रहे हैं, है ना, ये उस पार वाला है। तो इस सरिया से लेकर और इस सरिया तक 8 इंच, यानी 8-8 इंच का गैप होना चाहिए, ऐसे करके 8 इंच। अगर आप देखेंगे, ऐसे देखिएगा, तो ये आपको दोनों इस जाली का सरिया और इस जाली का सरिया मिला, ये 4-4 इंच पर गैप दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सरिया बांधने की बात है। अब ये सरिया जो है डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंस पर कैसे रहे, अलग अलग डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये दोनों अटैच ना हो, अलग से गैप कैसे रहे। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक रिंग बनाया गया है कोनिया टाइप का, इसको ना जगह जगह से बांध देना है, जैसे यहाँ बना हुआ है, और कहीं बांध देना है जैसे यहाँ बना हुआ है। इसमें क्या होगा, ये डिस्टेंस पर रहेगा, ठीक है, और पकड़ भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे जो है जाली बांध देना दोस्तों। तो अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि सेटरिंग कैसे करें। तो यहाँ देखिए सेटरिंग हो रहा है और हो भी चुका है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग जो है ना टाना का इस्तेमाल किए हैं, आप देखिए ये टाना का इस्तेमाल किए हैं, आप देख सकते हैं, देखिए ये टाना का इस्तेमाल किए हैं। तो देखिए दोस्तों इस टाना का इस्तेमाल तो किए, इस टाना के भरोसे में आप लोगों को सेटरिंग नहीं करनी है, देख लीजिए जितना भी टाना है इसके भरोसे में आपको सेटरिंग नहीं करनी है। इसके भरोसे में सेटरिंग करके आप छोड़ देंगे तो आपका बहुत बड़ी नुकसान होने वाला है। तो हम आगे चलकर बताएंगे कि नुकसान क्या होने वाला है। तो ठीक है, अब देखिए इसको जब हम सेटरिंग करते हैं तो उसका बीच में जो है एक जितना इंच ढलाई करना है उतना इंच का जो है एक रड लगा लेना है, ताकि इसका प्लाई का दूरी रहे, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी जो है जब हम लोग बीट वगैरह मारेंगे, तो इसमें एक्चुअल क्या है, यहाँ बीट मारने का सुविधा नहीं है, तो यहाँ फिर भी ये यहाँ से नापी करके यहाँ तक बीट मार देंगे, इसका डिस्टेंस सेम रहेगा, और यहाँ पे जो है ठेला लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये ठेला लगाया, लेकिन हाँ बस इतना ही, ठेला से काम नहीं चलेगा दोस्तों। ये जो अभी देख रहे हैं ये ठेला लगाया हुआ, हम फिर से दिखा रहे हैं आपको कि ये ठेला है, आप देखिए ये ठेला है, ये भी है, तो इतना ठेला से काम नहीं चलेगा। आप इसको अगर जब ठेला लगाएंगे ये 4 फीट का जो है, तो आप देखिए एक अगर यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे, तो एक आपको यहाँ लगाना है, ठीक है, दो ठेला लगाना है हर हालत में। हम आपको यहाँ भी दिखा सकते हैं, देखिए एक ठेला आपका ये यहाँ से है और एक ठेला आपका यहाँ से, तो ऐसे आपको ठेला लगाना है, ये पहला काम है। दूसरा यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ बीट लगाना है, देखिए ये बीट लगाना है, ठीक है, हम आपको आगे दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप इस वाल को ये पूरा जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम देखिए यहाँ पे हुआ क्या गलती। इस जगह आप देख सकते हैं इस प्लाई को, हम ऐसे आपको दिखा रहे हैं, देखिए टेरा टाइप का लग रहा है ना, ठीक से देखिए टेरा। तो ये एक्चुअल हुआ क्या दोस्तों, ये इस बीट को आप देख रहे हैं ना, ये बीट हम बाद में मारे हैं, यानी इसको मरवाएं मिस्त्री से बाद में, ठीक है। ये टाना देख रहे हैं, ये क्या हुआ, वाइब्रेटर जब इस्तेमाल किया, यानी वाइब्रेटर जब मारा गया तो इस टाना, ये टाना जो है अपने आप कट गया, ये टाना काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना 4 फीट हाइट जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, यानी नहीं करेगा, ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब हम इसको वो खोल के दिखा सकते हैं कि वो भागने के कारण कितना भागा है।
तो दोस्तों बहुत कोशिश के बाद इसको खोले हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे देखिए, इतना पता नहीं चल रहा है लेकिन ये फेंका जरूर है, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा आप देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं कि वो टाना के कारण, आप देखिए ठीक से, ये पहले ढलाई हो चुका था, मतलब इसको तो एक बार में ढालना नहीं पड़ता है, जब सेटरिंग किए हैं तो आपको क्या है आधा ढालना है, तब तो सूखने के लिए देना है, फिर ढालना है, एक ही दिन में ढलाई होगा लेकिन टायर होने के लिए देना है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ ढाला गया है, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर में ढाला गया, तो ये टाना कट करके फेंका है। हम आपको दिखाते हैं और जगह, जैसे आप उस जगह भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे उस जगह में भी आप देख सकते हैं, हम आपको इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, देखिए लग रहा है ना, तो ये गलती हुआ है, तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। तो चलिए अब इसको लाइनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ साउल कर लेना है, साउल करके पहले यहाँ पूरा परफेक्टली जो है लगा लेना है, और उस साइड भी जो है उस कोना में भी साउल करके परफेक्टली लगा लेना है। उसके बाद जो है इस टाइप से धागा लगाना है, ठीक है, धागा जैसे लगा लेंगे, धागा लगाने के बाद तब जितना इंच दूरी पर जो है धागा रहेगा, मान लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं, चलिए कि ये एक इंच दूरी पर है, एक इंच दूरी पर है, तो बस आपको बीच बीच में जो है माप के देख लेना एक इंच दूरी पर है कि नहीं, ठीक है, माप माप के देख लेना है, बस ऐसे माप करके जब आप देख लेंगे तो वो पूरा लाइन सीधा हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को करना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही पावरफुल सीख मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।